ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड, जो राइस फील्ड है ना, मतलब चावल का जो खेत है, उससे कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है? मीथेन और नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इन द राइस फील्ड फ्लडिंग कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम एटमोसफियर, रिजल्टिंग इन एनरोबिक कंडीशन विच एमिट्स मीथेन। एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विच जनरली यूज इन द राइस फील्ड फॉर हाइट एंड प्रोडक्शन यूनिट्स N2O बाई रिएक्टिंग विद द एटमोसफेरिक ऑक्सीजन। इन द राइस फील्ड फ्लडिंग कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, जो फ्लडिंग है वो क्या करता है? द फ्लडिंग कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम द एटमोसफियर। जैसे फ्लड आता है ना, तो क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई एटमोसफियर से कट जाता है, रिजल्टिंग इन एनएरोबिक कंडीशन, जिसके कारण से एनएरोबिक कंडीशन होता है, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, विच एमिट्स मीथेन। और जब भी एनएरोबिक कंडीशन होगा तो क्या निकलेगा? मीथेन निकलेगा। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विच जनरली यूज इन द राइस फील्ड फॉर हाई प्रोडक्शन एमिट्स N2O बाई रिएक्टिंग विद द एटमोसफेरिक ऑक्सीजन। तो फिर ये एटमोसफेरिक ऑक्सीजन से मतलब रिएक्ट करता है और N2O बना देता है। तो देखो क्या हो रहा है, द ग्रीन हाउस गैस एमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड इज CH4 एंड N2O। इन द राइस फील्ड फ्लडिंग कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम एटमोसफियर, रिजल्टिंग इन एनएरोबिक कंडीशन विच एमिट्स मीथेन। एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विच जनरली यूज इन द राइस फील्ड फॉर हाई प्रोडक्शन एमिट्स N2O बाई रिएक्टिंग विद एटमोसफेरिक ऑक्सीजन। तो देखो, जब भी एटमोसफेरिक ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है N2O। और जब मान लीजिए ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है फ्लडिंग के कारण से, तो एनारोबिक कंडीशन हो गया, तो उस केस में मीथेन प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? तो राइस फील्ड से दो गैस प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन से? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 और N2O। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं भारत में। कौन कौन से? हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा मतलब बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है। सो एक हो गया हिमालयाज, दूसरा हो गया इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है वेस्टर्न घाट्स, और चौथा है सुंडालैंड। हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स और सुंडालैंड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। कौन कौन से? हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? पूरे दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और इंडिया में कितने हैं? 4। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इज द फेनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एज द कंपाउंड पासिस अप अ फूड चेन, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ फूड इनटेक। इन दिस केस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड विल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द ट्रॉफिक लेवल। सो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इनऑर्गेनिक या एनवायरनमेंट या इनऑर्गेनिक या एनवायरनमेंट से कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन या केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है ना कंपाउंड का, फूड खाते खाते और ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर ऊपर अर लेवल पे आगे बढ़ते बढ़ते, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड का, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सो बायोमैग्निफिकेशन इज द फेनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एज द कंपाउंड पासिस अप अ फूड चेन, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ फूड इनटेक। इन दिस केस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द ट्रॉफिक लेवल। बायोमैग्निफाइंग पॉल्यूटेंट्स इंक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स और फिर टॉप कंज्यूमर्स। 4 तरह के कंज्यूमर्स हमारे पास में। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स होगा, प्रोड्यूसर्स लास्ट में कंज्यूमर होगा, ठीक है ना। तो बीच में क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर सुपर या टॉप कंज्यूमर। तो जैसे हम लेफ्ट से आगे जाते हैं तो पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑब्वियसली बायोमैग्नीफाइंग पॉल्यूटेंट्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे हर लेवल पे आगे जा करके। समझ में आया? तो रिकैप करो, द ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड इज CH4 एंड N2O। इन द राइस फील्ड फ्लडिंग कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम एटमोसफियर, रिजल्टिंग इन एनएरोबिक कंडीशन विच एमिट्स मीथेन। एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विच जनरली यूज इन द राइस फील्ड फॉर हाई प्रोडक्शन एमिट्स N2O बाई रिएक्टिंग विद एटमोसफेरिक ऑक्सीजन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया कितने हैं? 4। हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स, सुंडालैंड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड कितने हैं? 36। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इज द फेनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एज द कंपाउंड पासेस अप अ फूड चेन, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ फूड इनटेक। इन दिस केस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द ट्रॉफिक लेवल। बायोमैग्निफाइंग पॉल्यूटेंट्स इंक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर्स। एज लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? पेस्टिसाइड कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रन, बाय।